الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محترم بزرگوں اور دوستوں بھائی بہن آپ حضرات نے بہت بڑی بات آئے پیچھے ترتیب سے اور بڑی خوشی کا موقع ہے ہمارے درمیان ہندوستان کے بڑے مدرسے جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم اکبر کھوا کے صدر مفتی جعفر صاحب اپنے ایک تھی سفر میں بالکل نشست آیا تھا تو ہم نے اس کا پیدا بتاتے ہوئے استفادہ کی درخواست قبول فرمائی ہندوستان کے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں اس میں بڑا مدرسہ اشاعت العلوم اکبر کھوا کے ہے جہاں تقریباً 7 سے 8 ہزار طلبا پڑھتے ہیں ترجم دیوبند مزاحین ندوت العلماء اسی انداز کا ایک مدرسہ ہے بڑا مدرسہ یہاں تقریباً سالانہ 400 سے 500 پاس والے ہوئے ہیں اور ان کا نیٹورک اتنا بڑا ہے پورے ملک میں قریب 1.5 لاکھ طلبا ان کے نیٹورک سے جڑے ہوئے ہیں ان کے تقریباً 90 مدرسے ہیں اس کے علاوہ اور قریب قریب 50 سے 60 کے والے جیسے ہیں یہ اتنا بڑا ادارہ ہے ملک کا اور میں نے کسی خاص سفر سے پرسنل نجی سفر میں تشریف لائے گیا کل ان کا بیٹا مسلموں میں بھی ہوا اس سے پہلے بسنت گوڑی میں بھی ہوا Gracias.
श्रद्धा दीदी के माध्यम से खुद पाकिस्तान पाक कहा और अल्लाह का अल्लाह हजरत की आमद को हम सबके बारिश से शहादत फरमा और हजरत जो फरमाएंगे हजरत की الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستو اور میرے بھائیوں تقریباً 8 یا 9 سال قبل آپ کی اس مسجد میں جمعہ کے دن ہی اسی موقع پر اس مسجد میں اور مدرسے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اللہ پاک نے عمر میں برکت دی، صحت عطا کی، تندرستی سے نوازا اور
उसका शुक्र हैं कि दोबारा हम अपने आप को आप हजरात के दरमियान पा रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। कितने लोग वो होंगे जो हमारे उस सफ़र में नमाज जुमा में शरीक थे और आज वो ज़ेरे ज़मीन हो चुके। तो ये अल्लाह का शुक्र ही है कि उसने 8-10 साल मज़ीद हमें अता किए और फिर आपके यहाँ हाज़िरी हुई। शुक्र की तौफीक, ये ख़ुद अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। खुतबे में जो आयत हमने तिलावत की, अल्लाह पाक उस आयत में ये फरमा रहे हैं, लैन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नियमतों का शुक्र अदा करोगे, अगर तुम मेरी नियमतों का शुक्र अदा करोगे, लज़ीदन्नकुम, तो हम ज़रूर भी ज़रूर अपनी नियमतों में इजाफा कर देंगे। और अगर तुमने हमारी नियमतों की नाशुक्री की, नाकदरी की, इन नाजाबी लशदीद, तो मेरा अजाब, मेरी पकड़, मेरी गिरफ्त बहुत सख्त है। खुतबे में मैंने मेरे और आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी पढ़ी। उबैदुल्लाह इब्न मुहसिन रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अस्बह मिनकुम आमीनन फी सिर्बिही, तुम में से जिस शख्स ने सुबह की अपने घर वालों में और अपने घर में, फी बैती ही और फी आहली ही, सिर्ब में दोनों चीजें दाखिल हैं, तुम में से जिस शख्स ने सुबह की अपने घर में और अपने घर वालों में, अपने खानदान में अमन की हालत में, किसी किस्म का कोई खौफ, दहशत उसे लाहिक ना हो, मन अस्बह मिनकुम आमीनन फी सिर्बिही, तुम में से जो शख्स सुबह करे अमन की हालत में अपने घर वालों में, अपने घर में, अपने खानदान वालों में, मुआफन फी जसदिही, और उसे जिस्मानी कोई बीमारी ना हो, यानी आफात से, अमराज से वो महफूज हो, वइंदहु कूतु यौमिही, और उसके पास सुबह और शाम का खाना हो, इन्हें दो वक्त की रोटी का नज्म हो, फकअन्नमा हीज़त लहुद दुनिया, तो ये ऐसा हुआ जैसे दुनिया की तमाम नियमतें उसे उसके लिए जमा कर दी गई, अता कर दी गई, दे दी गई। तीन चीज, घर वालों में सुबह करना अमन की हालत, हम
इसे नेमत समझते ही नहीं। कितने लोगों वो हैं जो कस्ब और कमाने रोजी रोटी के लिए मेहनत करने के लिए अपने वतन को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर हजारों मील मसाफतें तय करते हैं और उनकी शाम और उनकी सुबह अपने बीवी बच्चों में नहीं होती, नहीं होती। वो तरसते हैं अपने बीवी बच्चों के चेहरों को देखने के लिए, और हम सुबह और शाम अपने बीवी बच्चों में कर रहे हैं, और हमें ये इस्तेहजार भी नहीं है कि ये अल्लाह की नियामत है। अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत। हदीस पाक के अल्फाज पर गौर कीजिए, मन असबहा मिनकुम आमीना, तुम में से जो शख्स सुबह करे अमन की हालत में, तो सुबह नींद से बेदार होना ये नई जिंदगी का मिलना है, और ये भी अल्लाह की नियामत है। कितने लोग वो होते हैं लोगों जो थक हार कर आते हैं, खाना खाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, और उनकी जिंदगी में सुबह होती ही नहीं, वो शाम उनके लिए उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाती है। सुबह को बीवी उठाती है, बच्चे आवाज देती हैं, बेटा उठाने की कोशिश करता है, पता चला कि वो तो रुखसत हो गए। इसी वास्ते सुबह जब हम नींद से उठते हैं तो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ हमें सिखलाए। जब आंख खुले, जब हम नींद से बेदार हों, ये दुआ पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्फाज पर गौर की, तमाम तारीफें उस जात के लिए है जिसने हमें जिंदगी अता की। नींद ये मौत की बहन है, हम मौत की आगोश में जा चुके थे, आंख खुली बेदार हुए तो गोया अल्लाह पाक ने नई जिंदगी अता की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी अता की मारने के बाद, मौत देने के बाद। व इलैहि नुशूर, और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। छोटी छोटी जो दुआएं हैं, अगर उसके मानी पर हम गौर करें, उसके तर्जमे को हम समझे, तो पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किस कदर अहम दुआएं तालीम फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह कहना गोया कि अल्लाह के इस दोबारा जिंदगी अता करने की नेमत का शुक्र हुआ। तो सुबह अपने घर वालों में, अपने बीवी बच्चों में, अपने घर में सुबह करना, ये अल्लाह की नेमत है। दूसरी नेमत मुआफन फी जसदी, आप सही है, तंदुरुस्त हैं, कोई आफत मुसीबत आपको लाहिक नहीं है, कोई रंज गम टेंशन नहीं है, जिस्मानी एतबार से आप बिल्कुल सही सालिम हैं, कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपको सही नजर आ रहा है, आप कान से सही सुन रहे हैं, अपने पैरों से सही चल रहे हैं,
आपके हाथों में गिरफ्त और बदश की ताकत और कुव्वत है। आपकी अक्ल सही है, आपका कल्ब काम कर रहा है। मुआफन फी जसदी ही, जिस्मानी कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। जब तक के ये नियमत हासिल होती है तब तक के हमें इसकी कदर नहीं होती है। बिनाई की कदर मालूम होती है कि ये कितनी बड़ी नियमत है बिनाई के चले जाने के बाद। हाथों में गिरफ्त और बदश की कदर मालूम होती है उस वक्त जबकि हम अपने हाथ से किसी चीज को उठा नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। पैरों के से चलने की नियमत, इसकी कदर मालूम होती है जबकि हम अपने पैरों से माजूर हो चुके होते हैं, मफलूज हो चुके होते हैं। थोड़ा सा भी अगर चलना हो तो किसी सहारे के मोहताज होते हैं। ये अल्लाह की नियमतें हैं लोगों। वासबग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों की बरसात फरमा दी हमारे ऊपर, जाहिर में भी बातिन में भी। अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करें तो शुमार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हार्ट ये काम कर रहा है, ये कितनी बड़ी नियमत है, इसका एहसास, इसका इस्तेहजार, इसकी कदर, इसकी कीमत का हमें इल्म नहीं होता है। कब तक? जब तक कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। उसने तेज चलना शुरू कर दिया तो आप डॉक्टरों की तरफ दौड़ रहे, भाई बहुत तेज चल रहा है, तो अब उसको कंट्रोल करना है, दवाई लेनी है, टेबलेट लेनी है, हर महीने चेकअप करना है, हर 15 दिन पर वो करना है। शुगर बढ़ गया है, अब मुस्तकिल वो टेंशन है, वो फिक्र है, उसको कंट्रोल रखना है, उसके लिए दवाई खानी है। तो लोगों, अल्लाह की जो नियमतें हैं उसका इस्तेहजार रखो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैरां काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग, मेरी अक्ल, मेरा कल्ब काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको बीवी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको अच्छा कारोबार दिया है। अल्लाह की नियमतों का इस्तेहजार बहुत बड़ी नियमत है। हम उसकी नियमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन शुक्र नहीं। अब आप कहेंगे कि शुक्र, अरे एक बात ये याद रखिए कि शुक्र का मतलब ये नहीं है कि आप तस्बीह लेकर बैठो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र नहीं। शुक्र कुल शैइन मा युनासिब हालहु, हर चीज का शुक्र, हर चीज का शुक्र उसके मुनासिब हाल होता है, हर चीज का शुक्र उसके मुनासिब हाल होता है। बीनाई ये नियमत है, इसका शुक्र ये है कि हमारी ये आंखें गैर महरम को न देखें, हमारी ये आंखें गलत जगहों को न देखें। कान का ये शुक्र है कि हमारे ये कान गलत चीजों को न सुने। पैरों का ये शुक्र है कि गलत राहों पे न चले। हाथ का ये शुक्र है कि किसी पर ज्यादती के लिए न उठे बल्कि किसी के लिए सहारा बने। ये शुक्र है। माल अल्लाह ने दिया है, ये भी अल्लाह की नियमत है। माल फितना ही है, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई माल फितना है, इन्ना अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। कुरान ने भी कहा कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माल, ये तुम्हारे लिए फितना है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो रुख होते हैं। फितना उस वक्त है जबकि अल्लाह की याद से वो गाफिल कर दे, अल्लाह के हुकूक को अदा करने से वो दूर कर दे। लेकिन अगर यही माल के जरिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, जन्नत को बनाएं, आखिरत को सवारे, तो ये माल फितना नहीं है। कहीं फरमाया अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, दूसरी जगह फरमाया गया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। इंसान की तबीयत ये है कि वो खैर का सख्त पसंद करने वाला होता है, उसके दिल में माल की मोहब्बत होती है। तो माल को खैर से ताबीर किया गया, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरी, अल खैर से मुराद वहां पर माल है। तो माल अगर बुरी चीज होती लोगों
تو یہ خالق و مالک اسے خیر سے تعبیر نہ کرتا. تو مال خیر کب؟ جبکہ خیر کے راستوں سے صحیح راستوں سے اس کو جمع کیا جائے اور صحیح مصرف پر اس کو خرچ کیا جائے تو یہ مال خیر ہے. حلال طریقے سے اس کو کمایا اور صحیح جگہوں پر اس کو استعمال کیا یہ خیر ہے اور یہی اس نعمت کا شکر ہے. غلط طریقے سے کمایا، غصب کیا، بہنوں کے حق نہیں دیا، جس کا واجب حق تھا اس کو ہڑپ کر لیا، غلط طریقے سے ارب پتی کروڑ پتی بن گیا، یہ خیر نہیں ہے، یہ تو تباہ کن چیز ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے، انسانی زندگی میں مال کی ضرورت ایسی ہی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. کشتی اپنے منزل مقصود پر پانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، ایسے ہی مال کے بغیر انسانی زندگی مشکل ہے. لیکن کشتی کے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پانی اسی وقت تک کے مفید ہے، کار آمد ہے، نفع بخش ہے، جب تک کہ یہ پانی کشتی کے آگے رہے، پیچھے رہے، دائیں رہے، بائیں رہے، نیچے رہے، اندر نہ آئے. اندر آ گیا کشتی منزل پر پہنچے گی کہ ڈوب جائے گی؟ ڈوب جائے گی. اسی واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مال ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، مال ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. دل یہ مال کی جگہ نہیں، دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں محبت ہو اللہ کی، دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں محبت ہو رسول اللہ کی، دل اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس میں محبتیں ہو اپنے ماں باپ کی، اپنے اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی. لیکن مال اس قدر غالب آ گیا کہ مال نے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور جب مال نے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، محبت نکل گئی اللہ کی، محبت نکل گئی رسول اللہ کی، محبت چلی گئی سنت رسول اللہ کی، محبت نکل گئی بھائی بھائی کی اور بہنوں کی اور ماں باپ کی. آج ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، ایک فریق بیٹا ہے، دوسرا فریق باپ ہے. کیا یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ کیا یہ سوچ بھی سکتے کہ ایک خصم بیٹا ہو اور دوسرا خصم باپ ہو؟ کیوں؟ مال ہاتھ میں نہیں، ہاتھ سے کہاں آیا؟ دل میں آیا. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھے. یہ تین نعمتیں انسان کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے لیے رہنے کا مکان ہو، کوئی بیماری اسے لاحق نہ ہو، اور دو وقت کی روٹی اس کے پاس ہو. فکان نما حیزت لہ دنیا، پوری دنیا اس کو عطا کی. لیکن انسان حریص، لالچ ہے اس میں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، بھائی رہائش انسان کی ضرورت ہے، رہائش انسان کی ضرورت ہے، لیکن رہائش سے کیا مراد؟ رہائش کا مطلب یہ کہ ایسا مکان جس میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موسمی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر رہ سکے، سردی گرمی نہ ہو، بارش کی تکلیفیں نہ ہو، دھوپ کی تپش نہ ہو، اس طرح کا مکان، سادہ سا مکان، یہ رہائش اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد لیکن اس طرح کے مکان میں ہو سکتا ہے کہ کبھی دھوپ بھی آ جاوے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش میں کبھی جو تو پانی اس میں سے رسیں نیچے آ جائیں. آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ ذرا سلیقے کا ہونا چاہیے تو وہ پلاسٹر بھی کر لیتا ہے، ٹائلز اور فرش بھی بچھاتا ہے. یہ آرائش ہے. کیا یہ آرائش؟ وہ رہائش تھا، یہ
आराइश, अब आराम दे मकान बन गया। इसके अंदर आपको न बारिश की तकलीफ है, न मौसम ये गर्मी की कोई तकलीफ है, न सर्दी की कोई तकलीफ है, ये आराइश आराम दे मकान। फिर अब आदमी चाहे कि मकान इतना ऊंचा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि उसमें पार्किंग भी हो, गार्डन भी हो, ये और सोफे भी हो, फर्नीचर भी हो, ये आराइश वक्त हो गया। ये आराइश क्या है? ये हाँ, ये आराइश। तो तीनों रिहाइश के अंदर पैसे का खर्च करना ये भी जायज है लोगों, आराइश में पैसे का खर्च होना ये भी जायज है। लेकिन आगे तीसरे नंबर का जो मकान है नुमाइश, क्या नुमाइश, ऐसा आलीशान मकान हो कि लोग देखें तो उनकी टोपियां गिर जाए और हर जुबान पर जो तो उस मकान के चर्चे हो कि मकान बनाया तो फुला हाजी साहब ने। हाँ, ये नुमाइश। रिहाइश में सिर्फ ये भी जायज बल्कि जरूरत है, आराइश में पैसे का खर्च करना ये भी जायज, लेकिन नुमाइश हराम है, नुमाइश हराम। तो अल्लाह ने हमें सेहतें दी हैं, अल्लाह ने हमें अच्छे मकानात दिए हैं, अल्लाह ने हमें बीवी बच्चे दिए हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल व फहम दी है, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिए हैं, ये सब अल्लाह की नियमतें हैं और अल्लाह की नियमतों का शुक्र हमारे ऊपर वाजिब है। और शुक्र क्या है कि हम उसकी नाफरमानी न करें, उसकी नाफरमानी न करें, वरना वो देता है तो छीनना भी जानता ही नहीं बल्कि उस पर कादिर भी है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी उसकी नियमतों की शुक्र, उसकी नियमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए।